हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉप्सी के बारे में तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनीशन्स ऑफ एटॉप्सी टाइप्स ऑफ एटॉप्सी नीड फॉर एटॉप्सी एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एटॉप्सी अगर देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रोल ऑफ एटॉप्सी असिस्टेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ओके दी टॉपिक तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन ऑफ एटॉपसी देखते हैं एंड अ पोस्ट मॉर्टम असेसमेंट और एग्जामिनेशन ऑफ डेथ बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ तो एटोपसी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एटॉप्सी मॉर्टम असेसमेंट है या तो एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं डेथ बॉडी का क्यों करते हैं एग्जामिनेशन डेथ बॉडी का क्योंकि हम लोग डिटरमाइन करते हैं कॉजेज ऑफ डेथ ठीक है एंड एटॉपसी इज परफॉर्म बाय फिजिशियन ट्रेन इन अ पैथोलॉजी जो एटॉप्सी परफॉर्म करते हैं वो पर्सन फिजिशियन ट्रेंड होते हैं पैथोलॉजी में द टर्म एटॉप्सी डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टू सी फॉर वन सेल एटॉप्सी जो टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है टू सी फॉर वन सेल्थ एटॉपसी इज ऑल्सो नोन एज अ मॉर्टम, नेक्रोप्सी एंड थेनानेपटोपसी हम लोग एटॉपसी को पोस्टमार्टम भी कहते हैं नेक्रोप्सी भी कहते हैं और थेनेटॉप्सी भी कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एटॉप्सी तो एटॉप्सी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल क्लिनिकल एटॉपसी मेडिकल एटॉप्सी में क्या होता है इन पेशेंट कॉजेज ऑफ डेथ डिजीज प्रोसेस रिलेटेड पेशेंट में हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ़ डेथ जो डेथ हुआ है वो किस कारण से हुआ और डिजीज प्रोसेस रिलेटेड देखेंगे कि जो पेशेंट है उसका जो डेथ हुआ है कौन सी डिजीज से हुआ है ठीक है सेकेंड है मेडिको लीगल एटॉप्सी लीगल एटॉप्सी में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ डेथ नेचुरल और अननेचुरल मेडिकल लीगल एटॉपसी में हम लोग क्या देखेंगे जो पर्सन है उनका डेथ जो हुआ है क्या वो नेचुरल तरीके से हुआ या अननेचुरल तरीके से नेक्स्ट है एनाटोमिकल एटॉपसी परफॉर्म टू स्टडी नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एनाटोमिकल एटॉप्सी में हम लोग क्या देखते हैं हम लोग परफॉर्म करते हैं स्टडी करने के लिए नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हम लोग एनाटोमिकल एटॉपसी करते हैं मोस्टली ऑन अनक्लेम्ब डेड बॉडीज एनाटोमिकल एटॉप्सी जो होता है मोस्टली अनक्लेम्ब डेड बॉडीज पर किया जाता है नेक्स्ट हमारा एटॉप्सी है जो कि है साइकोलॉजिकल एटॉप्सी परफॉर्म टू नो अबाउट बैकग्राउंड ऑफ पर्सन हिज हैबिट मेंटल स्टेटस पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर साइकोलॉजिकल एटॉप्सी हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग पता करते हैं कि जो पर्सन है उसका बैकग्राउंड कैसा है ठीक है और उनकी क्या हैबिट हैं मेंटल स्टेटस पर्सनैलिटी और कैरेक्टर कैसा है नेक्स्ट हमारा एटॉप्सी है जो कि है निडिल एटॉप्सी यूजिंग ट्रू कट नीडिल निडिल एटॉप्सी हम लोग करते हैं विद दी हेल्प ऑफ ट्रू कट निडिल के हेल्प से ठीक है नेक्स्ट हमारा एटॉप्सी है जो कि है कंप्लीट एटॉप्सी नेक्स्ट एटॉप्सी है पार्शियल एटॉप्सी स्पेसिफाइड इन सीजन नंबर ऑफ ऑर्गन्स पार्शियल एटॉप्सी में क्या होता है स्पेसिफाइड इन सीजन करते हैं फिर रेस्ट्रिक रेस्ट्रिकेटेड नंबर ऑफ ऑर्गन्स का ही करते हैं पार्शियल एटॉपसी नेक्स्ट हमारा एटॉपसी है जो कि है पोस्ट ऑपरेटिव एटॉपसी प्रेजेंस ऑफ सर्जन ड्रेन्स टू तो बी डिटेंड तो पोस्ट ऑपरेटिव एटॉप्सी जो है वो प्रेजेंस जब सर्जन के प्रेजेंस में ही हम लोग करते हैं नेक्स्ट हमारा एटॉपसी है इमीडिएट एटॉपसी फॉर स्पेशल लेबोरेटरी प्रोसीजर ई एम आई एच सी टिश्यू कल्चर तो हम लोग जो इमीडिएट एटॉपसी करते हैं स्पेशल लेबोरेटरी प्रोसीजर के लिए ही करते हैं जैसे कि ई एम आई एस सी के लिए करते हैं नेक्स्ट हमारा एटॉपसी है जो है पेरीनेटल एटॉपसी पेरीनेटल एज ग्रुप स्पेशली ट्रेंड पर्सन पेरीनेटल एटॉप्सी स्पेशली हम लोग करते हैं पेरीनेटल एज ग्रुप के लिए और जो ट्रेंड होते हैं पर्सन वही कर सकते हैं पेरीनेटल एटॉपसी अब हम लोग पढ़ेंगे नीड फॉर एटॉप्सी एटॉप्सी करने का क्या नीड है क्यों करते हैं टू डेटरमाइन दॉज ऑफ डेथ फर्स्ट नीड है एटॉप्सी करने के लिए क्या है टू डिटरमाइन दॉज ऑफ डेथ जो डेथ होता है उसका कॉज जानने के लिए हम लोग एटॉपसी करते हैं सेकेंड टू आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज द एक्सटेंट ऑफ डिजीज स्ट्रीट जो पर्सन जिनका डेथ हो चुका है ठीक है उनमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी डिजीज है और डिजीज का क्या स्ट्रेट है थर्ड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस टीचिंग और रिसर्च पर्पज थर्ड हम लोग एटॉपसी इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रिसर्च के लिए करते हैं टीचिंग पर्पज के लिए करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारा जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का उनका स्टडी करने के लिए करते हैं नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज इन एटॉप्सी कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि एटॉपसी करते वक्त हमें यूज करते हैं ठीक है स्केपल विथ लार्ज कटिंग ब्लेड हम लोग स्केपल विथ लार्ज कटिंग ब्लेड यूज करते हैं एटॉप्सी के टाइम में स्मॉलर सर्जिकल टाइप स्केपल थर्ड है लॉन्ग ब्लेडेड नाइप का यूज होता है एटॉप्सी में ब्लंड एंड टूथ फॉरसेप सीजर्स हैमर मेटल रूलर वेइंग स्केल्स स्पॉन्ज एंड कॉटन उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्लैम्स सूचर्स मेटेरियल मेजरिंग जग ए ब्लॉक टू सपोर्ट नेक शक्सन एपर्टस वेरियस कंटेनर्स फॉर कलेक्टिंग सैम्पल्स हम लोग एटॉपसी में वेरियस कंटेनर का भी यूज करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे सैम्पल्स को कलेक्ट करना पड़ता है स्ट्रायल कंटेनर स्केपल ब्लेड फॉर माइक्रोबाइलॉजिकल स्पेसीमेंट लार्ज ट्रेस विथ थीक लेयर फॉर्मलिन सोक्ड कर्टन तो हम लोग लार्ज ट्रे का भी यूज करते हैं और थिक लेयर फॉर्मलिन जो सोक्ड कॉटन होता उनका यूज करते हैं ठीक है एट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू